नमस्कार, आपका स्वागत है एशिया न्यूज इंडिया में। आपके साथ मैं पूनम। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को शहडोल में कहा, मध्य प्रदेश में बीजेपी आरएसएस की लेबोरेटरी है, यहाँ मरे हुए लोगों का इलाज होता है, यहाँ बीजेपी के नेता आदिवासियों पर पेशाब करते हैं, जो जानवरों को भी नहीं खिलाया जाता वो सड़ा हुआ अनाज आपको देते हैं। राहुल ने जाति जनगणना कराने की बात दोहराते हुए कहा, हमारी सरकार बनी तो पहला काम जाति जनगणना कराने का होगा। चुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद राहुल गांधी का ये पहला और 10 दिन के अंदर दूसरा एमपी का दौरा है। इससे पहले वे 3 सितंबर को शाजापुर जिले के कालापीपल विधानसभा क्षेत्र में जन आक्रोश रैली में शामिल होने आए थे। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, इस चुनाव में एक उम्मीदवार या पार्टी का फैसला नहीं होना है, मध्य प्रदेश के भविष्य का फैसला होना है। शिवराज सिंह अब 35 दिन बचे हैं, जनता आपकी कलाकारी झूठ को पहचान चुकी है, मतदाता आपको विदा करने का इंतजार कर रहे हैं। 35 दिन में आपका दबाने छिपाने और डराने का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। इसी के साथ बने रहे एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।